अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें जो पिया सर्कल डायग्राम की दूसरी वीडियो में वेलकम। हमें जो भी सर्कल डायग्राम पहली वीडियो में हमने पावर सप्लाई और डीसी बूस्टर की डायग्राम देखी थी। अब तीसरे नंबर पे हमारी है इन्वर्टर की स्टेज। ये जो यूपीएस होते हैं हमारे होमेज के या कोई भी इन्वर्टर हो गया, इसमें फुल वेव ब्रिज की जो टेक्निक है उस पर हमारा फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। एक मॉस्फेट लगा, एन चैनल मॉस्फेट ही लगते हैं इसमें भी। इसके बाद फिर दूसरा मॉस्फेट लगा, इसके साथ सारे एन चैनल है। अच्छा, ये आगे आपके डीसी बूस्टर के वोल्टेज बने आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे आपके आगे पॉजिटिव कितने से डीसी बूस्टर स्टेज से, ये आगे ये आपकी आउटपुट आपकी यहाँ से आएगी ऐसी फाइनल। अच्छा, ये जो आपके बन गए चार गेट, इनके ऊपर ये रजिस्टर लगेंगे ये, और एक रजिस्टर आपका लगेगा गेट टू सोर्स, हो गया। यहाँ पर भी एक रजिस्टर आपका गेट पे हो गया, एक आपका सोर्स पे हो गया। ये गेट का रजिस्टर, ये आपका सोर्स का रजिस्टर, ये आपका सोर्स का रजिस्टर। यहाँ पे जो पल्सेस आएंगी वो आएंगी आपके माइक्रो कंट्रोलर से। तो ये आप कभी भी जहन में ना बैठाएं कि माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आउट ही नहीं हो रही होगी, आउट हो रही होगी। आपका कोई प्रॉब्लम इधर हो सकता है, ये वाला चूंकि आपका इन्वर्टर में राउंड अबाउट 220 ओम, ये मुख्तलिफ भी होता है, 220 ओम के रजिस्टर होते हैं गेट पे, और ये तकरीबन 50 के का रजिस्टर होता है, ये आपने याद रखना है, 220 ओम गेट पे, और गेट टू सोर्स वाला रजिस्टर जो है वो 50 के। इसी तरह ये भी गेट वाला 220 ओम, ये 50 के, 220 ओम और 50 के। ये आपका जो इन्वर्टर की जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है हमें यूपीएस में वो ये है, फुल ब्रिज इन्वर्टर हम इसको कहते हैं। ये वाली टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, ये आपके मॉस्फेट, ये अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें हमें यूपीएस को लेके, उसके जो एफईटी लगे हुए होते हैं इन्वर्टर वाली साइड पे, इन्वर्टर वाली हीट सिंक के साथ, उनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह हमारे डीसी बूस्टर वाला जो कैपेसिटर होता है उसके वोल्टेज इन दो मॉस्फेट के ड्रेन पे आ रहे होते हैं, और उसके नेगेटिव वोल्टेज इन दो मॉस्फेट के सोर्स पे आ रहे होते हैं, और इस मॉस्फेट के सोर्स और इसका ड्रेन यहाँ से आउटपुट ले रहे होते हैं हमारी 220, और इसी तरह इसका सोर्स और इसका ड्रेन इस पॉइंट से हमारी फाइनल आउटपुट होती है 220 वोल्ट, वो हमारी यहाँ से आउटपुट होती है। अच्छा, अब हमारी रहेगी एक स्टेज चार्जर। नंबर फोर चार्जर, चार्जर की जो फंक्शन है वो वैसे सेम उसी की तरह पावर सप्लाई की तरह ही है,
कि यहाँ पे कोई बी पॉजिटिव और यहाँ पे बी नेगेटिव वर्जित होते हैं, और यहाँ से आपका सोर्स इसका ग्राउंड हो गया, एन चैनल मॉसफेट है, और यहाँ से एक मॉसफेट के थ्रू इसको पल्सेट करवाया जाता है, बक बूस्ट करवाया जाता है इसकी दरमियान वाली इस वाइंडिंग को। सेम समझे कि ये उसी तरह ही जिस तरह पावर सप्लाई थी, ये सेम समझे उसी तरह ही है। ये आपके फाइनल आउटपुट होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी यानी कि बैटरी के लिए फाइनल आउटपुट जो होगी फोली होगी। अच्छा, इस मॉसफेट को ये 100 ओम का रजिस्टर है आपका, और ये भी उसी 3845 या 43 ऐसी होती है 8 पिन की, 5 6 7 8 4 5 6 7 8। तो इसकी 6 नंबर से ये पहले सेटिंग, 7 नंबर इसकी VCC, 8 नंबर इसकी रेफरेंस और 5 नंबर इसकी ग्राउंड। तो ये सर्किट है आपके चार्जर का। चार्जर में भी यही होता है, जब कभी आपका चार्जर वाली साइड पे प्रॉब्लम आता है, इस सेक्शन पे वैसे एक ब्रिज भी होता है, लेकिन ब्रिज जो आपको पता ही है कि एसी के हमारे वोल्टेज जो आ रहे होते हैं वो डायरेक्ट ब्रिज के ऊपर आते हैं, और वहाँ से हमारा कट वाली साइड से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव निकल जाते हैं। ये आते 220 वोल्ट एसी, और यहाँ से निकलते हैं हमारे तकरीबन 350 वोल्ट DC। ये तो आपको अंदाज़ा है ये, और ये वाले जो वोल्टेज हमारे आते हैं, ये वाले जो वोल्टेज आते हैं, ये हमारे वोल्टेज जहाँ पे जा रहे होते हैं, ये वाले, इसको आप बी अगर ना कहें तो, या ब्रिज भी अगर, यानी कि ब्रिज से ये वोल्टेज आ रहे होते हैं, ब्रिज से ये भी ब्रिज, ये ब्रिज से ये वाले जो वोल्टेज आएंगे हमारे DC, ये हमारे इधर आएंगे इस चॉपर ट्रांसफार्मर पे, और ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी फाइनल जो आउटपुट है। तो चार्जिंग का सेक्शन अगर कभी भी ख़राब होगा तो आप ये चीज़ें देखेंगे, ये रजिस्टर देखेंगे, ये मॉसफेट देखेंगे, इसको गेट टू सोर्स भी चेक करेंगे और ड्रेन टू सोर्स भी चेक करेंगे, और फिर ये IC आप चेक करेंगे, या अगर शक में है, डाउट में है, तो ये IC आप रिप्लेस कर देंगे। ये आपकी थी मुकम्मल सर्किट डायग्राम। उम्मीद है आपने ये सर्किट डायग्राम पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब पे गूगल पे पहले कहीं नहीं मिली, तो इसलिए मैंने वही चीज़ बनाई है, जो कि मैं सारी वीडियोस इसी बेस पे बना रहा हूँ कि जो मुझे यूट्यूब से नहीं नज़र आ रही और लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ बनाई जाए जो यूनिक हो, जो बाकी चीज़ों ने, बाकी लोगों ने ना बनाई हो। तो ये प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, अगर आप वाकई समझते हैं कि ये वीडियो थोड़ी यूनिक है और आपको इससे हेल्प हुई है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।